कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर, और मैं आप लोगों के साथ क्लास 3 की मैथ्स करने वाली हूं। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहेंस करी जाएगी, और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो आप अपना हैंड रेज कीजिएगा, तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। तो आप लोग अपना होमवर्क और क्लास वर्क हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जो करने वाले हैं वो है शेडोज ऑफ शेप। तो शेडोज सबसे पहले तो होती क्या है, शेडोज होती है जब हम किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को लाइट के पाथ में डालते हैं तो एक शेडो क्रिएट होती है। जैसे जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमारी फिगर बनती है ना नीचे जमीन पर, तो वो शेडो होती है। तो यहाँ पर हमने कुछ थ्री डायमेंशनल फिगर ले रखी है और उसके हम शेडोज क्रिएट करेंगे। थ्री डायमेंशनल फिगर है लेकिन शेडो कैसी आएगी, वो तो 2D आएगी। और आप फिर मुझे बताना कि एक क्यूब, क्यूबॉइड और स्फेयर की शेडो कैसी बनती है। ठीक है, तो करते हैं ये एक्टिविटी हम लोग। अच्छा, मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये एक्टिविटी आप जरूर कराएं। उसके लिए क्लास में लाइट सारी बंद कर दीजिए और अपने मोबाइल की टॉर्च से या नॉर्मल टॉर्च से आप बच्चों को दिखा सकते हैं। तो ये हमने एक लिया है स्फेयर, ये हमारा है क्यूब। ठीक है, तो इसके ऊपर देखते हैं क्या बनता है हमारा। तो आप देख सकते हैं, आपकी उसमें दिख रहा होगा कि इसके पीछे एग्जैक्टली मुझे एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो अगर मैंने एक क्यूब बनाया तो मुझे दिखाई दिया एक स्क्वायर। ठीक है, तो ये है मेरा स्क्वायर। क्यूब का शेडो है स्क्वायर। अब यहां पे मैंने जो नेक्स्ट फिगर ली है वो है एक क्यूबॉइड, है ना, क्यूबॉइड है ये एक फिगर। देखते हैं इससे क्या बनता है हमारा। तो ये कौन सी फिगर आप देख सकते हैं, ये एक रेक्टेंगल है। देखो इसके अंदर एक लेंथ है, एक ब्रेथ है। तो क्यूबॉइड से हमें जो मिलती है वो है एक रेक्टेंगल। ठीक है, अब यहां पर मैं एक स्फेयर ले रही हूं, आप देख सकते हैं इसको, एक स्फेयर है और मैंने इसको किया तो आप देखो कैसी शेडो बन रही है। ये क्या बन रहा है, ये एक सर्कल बन रहा है ना सर्कल। तो इसका मतलब हमारी थ्री डायमेंशनल फिगर्स जब 2D में करते हैं तो क्यूब का स्क्वायर, क्यूबॉइड का रेक्टेंगल और स्फेयर का सर्कल बनता है। तो आई होप आपको ये करके बहुत मजा आया होगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि मेरा क्यूब का बनता है स्क्वायर, का बनता है रेक्टेंगल और मेरा स्फेयर बनता है सर्कल। ठीक है, तो ऐसे आप लोग बहुत सारी चीजें शेडो से क्रिएट करिएगा और बताइएगा कैसी शेप्स आपको दिखाई दे रही है, क्या क्या आप देख सकते हैं शेप्स में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जो हम करने वाले हैं वो है कंसेप्ट चेक 5D। हम करेंगे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, एक टूथपेस्ट का पैकेट लिया हुआ है और उसका नाम आपको देना है। ठीक है, तो आप बताओ जरा टूथपेस्ट का पैकेट क्या कैसे दिखता है, कुछ इस तरीके का ही दिखेगा। ये कैसी शेप है ये? यस, आपको पता है ये शेप कैसी है, ये शेप है एक क्यूबॉइड। हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ये है एक क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का कितने फ्लैट फेसेस होते हैं, हमने करा था ये 6 फ्लैट फेसेस। नंबर ऑफ एजेस 12 एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस 8। फिर अगला आपके पास एक सिलेंडर है जो कि ऐसा है, एक टिन का डब्बा रखा हुआ है, टॉफी का डब्बा रखा हुआ है यहाँ पे।
फ्लैट फेसेस बताइए इसके, वन फ्लैट फेस, टू फ्लैट फेस, हालांकि दिख एक ही रहा है लेकिन होंगे दो, ठीक है, टू फ्लैट फेसेस। तो बी पार्ट में जो कि आपका एक सिलेंडर है उसमें टू फ्लैट फेसेस है, ठीक है। फिर है आपके कर्व्ड फेसेस, वन कर्व्ड फेस, वन कर्व्ड फेस। फिर आपका नंबर ऑफ एजेस, टेल मी कितने एजेस है, कोई एज है यहां पे? जीरो एजेस। और फिर कितने वर्टिसेस है, कोई वर्टेक्स दिख रहा है? नहीं, तो जीरो वर्टिसेस, ठीक है। तो ये है हमारा सिलेंडर और क्यूबॉइड का। बाकी की दो फिगर्स में एक में कोन और एक में क्यूब है, वो आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो है, ड्रॉ द शेप यू विल गेट बाय ट्रेसिंग द फ्लैट सरफेस, फ्लैट फेसेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने शैडो एक्टिविटी एक करी थी, उसके अंदर जैसे सपोज करो मेरे पास ये एक है, मैंने क्या करना है, अपनी नोटबुक में इसको ऐसे रखना है और फिर इसको पेंसिल से मुझे इस तरह से ट्रेस करना है। तो मुझे क्यूबॉइड से क्या मिला, एक रेक्टेंगल, ठीक है बेटा। तो ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे कि आपके पास अगर एक बुक है तो बुक की ट्रेसिंग करके आपको क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगल। आइसक्रीम कोन की नीचे वाली साइड को अगर आपने ट्रेस किया तो क्या मिलेगा, एक सर्कल। केचप की बॉटल है, ये केचप की बॉटल है आपकी, अगर आप इस बॉटल का ये वाला एंड ट्रेस करोगे तो क्या मिलेगा, ये सर्कल, ठीक है। तो ये आप अपना थोड़ा सा इमेजिनेशन बना पढ़ाइए और इसको जरूर करिए, ठीक है। आगे बढ़ते, प्लीज थोड़ा सा आप इस एक्टिविटी को पहले देख लीजिएगा। पेज नंबर 87 पे ये एक्टिविटी है, इसकी रिक्वायरमेंट है तीन ऐसी स्क्वायर शीट्स, तीन स्क्वायर शीट्स की आपको रिक्वायरमेंट है। तो पहले केस में आप क्या करेंगे, इसको बीचों बीच इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो स्क्वायर से मैंने क्या बनाया, स्क्वायर से जो मेरी शेप बनी वो है एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि द शेप ऑब्टेंड इज अ रेक्टेंगल एंड इट हैज 1 2 3 4 साइड्स, 1 2 3 4 4 वर्टिसेस, ठीक। नेक्स्ट आप जो करेंगे वो है इसी दूसरे शेप शीट को लेंगे और बीचों बीच इसको ऐसे फोल्ड करवा देंगे बच्चों से। बच्चों को बोलना है ये सारे फोल्डिंग्स अपनी नोटबुक में पेस्ट करें ताकि उनको, और फिर उसमें नेम लिखेंगे और वर्टिसेस एंड फेसेस लिखेंगे। अब ये आपने फोल्ड करा, ये आपकी सेकेंड फिगर बन गई, इसके अंदर कितने साइड है देखिए, कितने एजेस है, 1 2 3 थ्री एजेस, थ्री वर्टिसेस एंड नेम ऑफ द फिगर इज ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट फिगर के लिए आप ऐसे अपने दो बार फोल्ड करिए, थर्ड स्क्वायर शीट लीजिए, दो बार इसको फोल्ड करिए, एक बार ऐसे एक बार ऐसे। अब बच्चों को बोलना है कि आप अपने सीजर्स लें या फिर आप खुद बच्चों से करवाइए, आप उस जो जो हमने ये जो फोल्ड कर रखे हैं इससे हमें चार ट्रायंगल्स मिल गए, देखो 1 2 3 4, इन चारों ट्रायंगल्स को कट आउट हम करेंगे। मैंने यहां पे ये ट्रायंगल्स कट आउट कर दिए हैं, तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये चार ट्रायंगल्स मुझे स्क्वायर से मिल गए। अब इस कटआउट से करना क्या है, इस कटआउट से आपको ये चार फिगर्स रिक्रिएट करनी है, एक
रेक्टेंगल, एक ट्रायंगल, एक पैरेललोग्राम, इसको पैरेललोग्राम कहते हैं, पैरेलल साइड्स होती है इसकी, बट ये रेक्टेंगल नहीं होते, देखिए सीधे नहीं होते, और एक इस तरीके की शेप आपको रिक्रिएट करनी है। इसका नाम ट्रेपीजियम होता है, ये आप आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बस आप लोगों को समझना है कि ये बनते कैसे। तो रेक्टेंगल अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने ट्रायंगल्स को इस तरीके से ज्वाइन करूंगी। मैंने दो ट्रायंगल्स ऐसे ज्वाइन किए, और बाकी के दो मैंने ऐसे ज्वाइन किए, तो बन गया ना मेरा एक रेक्टेंगल। देखिए मैंने चार ट्रायंगल से एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, अब मुझे इन चारों से एक ट्रायंगल क्रिएट करना है। तो ट्रायंगल क्रिएट करने के लिए अगेन मैं देखती हूं कि अगर मैं इसको इस तरीके से करूं, तो ये एक ट्रायंगल मेरा क्रिएट हो गया, देखिए ठीक है, ये मेरा एक ट्रायंगल क्रिएट हो गया। अब मुझे एक पैरेललोग्राम क्रिएट करना है, तो पैरेललोग्राम क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगी, इस तरीके से इसको ज्वाइन करूंगी। आप देख रहे हैं ये दो ट्रायंगल्स मैंने लिए, दोनों ट्रायंगल्स की एक साइड को ऐसे ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो ये देखो इनकी जो दोनों साइड्स हैं ये आपस में पैरेलल हो गए, तो ये इस तरीके से एक फिगर हमारी क्रिएट हो गई। ट्रेपीजियम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे एक स्क्वायर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने एक स्क्वायर क्रिएट किया, उसको मैंने बीच में ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये मैंने एक स्क्वायर क्रिएट किया ऐसे, अब मैंने क्या किया इसको साइड्स को आप ऐसे ले सकते हो या ऐसे ले सकते हो, किसी भी तरीके से आप ले लो, लंबी साइड्स और कॉर्नर, लंबी साइड्स और कॉर्नर, ये एक ट्रेपीजियम मेरा क्रिएट हो गया, ठीक है। तो हमें इससे क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि जो हमारी फिगर्स हैं मोर ओवर वो अलग अलग शेप्स को, अलग अलग प्राइमरी फिगर्स को जोड़ के जो हमारी है कॉम्पोजिट फिगर बनती है। असिस्टेंट टीचर्स बच्चों को हेल्प करना आप लोग उनको पेस्ट करने में, और इन न्यू नेम्स से उनको इंट्रोड्यूस कराना, इसके बारे में हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में जरूर पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ नेमिंग आप जरूर करवा दीजिएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर शेप्स। आई होप शेप्स के बाद आपका विजन और आपका प्रोस्पेक्टिव दोनों चेंज हुए होंगे अपने टुवर्ड्स, अपने एनवायरमेंट के टुवर्ड्स, अब आप चीजों को मैथमेटिकल एंगल से देख पाएंगे, ठीक है। सो यू पीपल एंजॉय दिस चैप्टर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।